गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं थर्ड क्लास की इंचार्ज रेखा शर्मा आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में, जबकि आपका ये पढ़ने का टाइम है और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी लिहाज से मैडम हम लोगों ने जो है वो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का अभियान जो है वो शुरू किया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन क्लासेस का पूरा लाभ उठाएंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम अपनी इंग्लिश की बुक रीडर की जो है उसके फर्स्ट लेसन अ लेसन इन काइंडनेस को की रीडिंग करेंगे। और मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे इसको इसकी रीडिंग को अच्छी तरह से कंटिन्यू रखेंगे और मेरे साथ इसका उच्चारण ढंग से करेंगे। तो It was Sunday morning. If you have kindness of the heart, you are God's child of the best sort. तो क्या कहा गया है कि अगर आपके हृदय के अंदर दयालुता है दूसरों के प्रति, तो आप भगवान के जो है जो हो वो अच्छे बच्चे हो। If you are kind and loving, others will also be kind and loving to you. तो अगर आप किसी के प्रति दयालुता दिखाते हो, उनको प्यार करते हो, तो दूसरे भी आपकी तरफ वैसे ही दयालुता दिखाते हैं। तो ये आपके लिए लेसन है जो है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेसन को रीड करना। इट वाज अ संडे मॉर्निंग, तो आज वो क्या था, दिन जो था रविवार का था। मिस्टर रॉय वाज सिटिंग इन हिज रूम, मिस्टर रॉय जो थे वो अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, अपने कमरे के अंदर। ही वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो एक अखबार पढ़ रहे थे। सडनली अचानक मिस्टर रॉय लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, अचानक मिस्टर रॉय ने अपनी विंडो के बाहर देखा। देयर वॉज अ बॉय इन द स्ट्रीट, तो गली के अंदर एक लड़का था। द बॉय हैड ए बैग स्लंग ओवर हिज शोल्डर, स्लंग मतलब टांगा हुआ था। द बॉय हैड इज बैग स्लंग ओवर हिज शोल्डर, लड़के ने अपने कंधों के ऊपर एक बैग टांगा हुआ था। ही टुक अ सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग एंड बिगेन टू ईट इट, उसने अपने बैग के अंदर से एक सैंडविच निकाला और उसे खाने लगा। इन द स्ट्रीट देयर वॉज ए लिटल डॉग, तो गली के अंदर एक छोटा कुत्ता था। द डॉग सा द बॉय ईटिंग ए सैंडविच, तो कुत्ता जो था वो लड़के को सैंडविच खाता हुआ देख रहा था। द बॉय शोड इट टू द डॉग, तो लड़के ने कुत्ते को देखा। द डॉग स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल, कुत्ता जो है वो देखकर अपनी पूंछ हिला रहा था। इट्स वांटेड टू हैव द सैंडविच टू ईट, वो चाहता था कि वो सैंडविच उसे भी खाने के लिए मिले। द बॉय सेड टू द डॉग, ओ डॉग डू यू वांट दिस सैंडविच, तो लड़के ने कुत्ते से कहा कि कुत्ते क्या तुझे भी सैंडविच खाने के लिए चाहिए। तो आज मैंने जितनी भी रीडिंग आपको इस चैप्टर की करवाई है, तो आप इसी इन्हीं लाइंस को अच्छी तरह से रिवाइज करके इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन करके उनको 3 times लिख के रिवाइज करें, ताकि आपको जो है उनके मीनिंग भी समझ आ सके और आपको वो अच्छी तरह से इन लाइंस की हिंदी समझ आ सके। थैंक यू।